नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 1905 में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और इसके कुछ दिनों बाद लंदन में मॉर्ले को भारत का सचिव बनाया गया। भारत में मॉर्ले को सचिव बनाए जाने के मुख्यतः जो कारण बताए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण भारत के लोगों की आज़ादी की मांग और भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन जिस बात से डरी हुई थी वो थी हर तरफ अशांति, और अशांति का कारण था कि भारतीय लोगों का लोकतंत्र के लिए आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करना। इन्हीं सब बातों को लेकर मॉर्ले मिंटो ने विधान परिषदों में सुधार के लिए एक योजना या यूं कहें कि प्रारूप तैयार किया। भारतीयों के लिए ब्रिटिश संसद ने 1911 में एक संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है, लेकिन इतिहास में इसे भारत के लिए किए गए सुधार को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर भारतीयों के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था और इससे भारतीयों को क्या मिलने वाला था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय अधिनियम में जो सबसे बड़ा रद्दोबदल या बदलाव कह लें, ये कहा गया कि प्रांतीय विधान परिषदों में और केंद्रीय परिषदों में गैर सरकारी लोगों की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1910 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 100 से ज्यादा सदस्य विधान परिषदों में चुनकर आए। लेकिन ठीक इसके उलट केंद्र में सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या से ज्यादा हो गई। वहीं प्रांतीय परिषदों और वाइस राय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आप इसे आज के केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा नामित सदस्यों की तरह देख सकते हैं। वहीं मॉर्ले मिंटो ने विधान परिषदों में शक्तियों को विस्तार दिया जिसमें परिषद में चुने गए सदस्य किसी भी बात पर अपना सवाल पूछ सकते थे और हर साल पेश होने वाले बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उस पर मत नहीं दे सकते थे। ये विधायी प्रस्ताव पेश कर सकते थे लेकिन कानून नहीं बना सकते थे। ये प्रस्ताव ठीक वैसे ही हैं जैसे आज के केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में हर क्षेत्र में चुने हुए लोग आते हैं जो सवाल तो पूछ सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाए या किसी बात को लेकर वोटिंग हो तो नामित सदस्य वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। लेकिन जिस बात के लिए अंग्रेज जाने जाते हैं या जाने गए हैं वो इस मॉर्ले मिंटो सुधार में बहुत ही चालाकी के साथ किया गया था, और वो था बांटो और राज करो वाली नीति, या यूं कहें कि हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाने का काम करना। इस मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया जिसमें मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुसलमान सदस्य ही करेगा। इसका मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना। ब्रिटिश शासन द्वारा बांटो और राज करो वाली नीति मॉर्ले मिंटो सुधार से ना तो उदारवादी ही खुश हुए और ना ही उग्रवादी। और 1909 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल का कड़ा विरोध किया गया। मॉर्ले मिंटो सुधार को अगर ये कहा जाए कि इस सुधार से ब्रिटिश संसद भारत के कुछ हिस्सों को काटकर मुस्लिमों के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहती थी, और मॉर्ले मिंटो सुधार से उसने ऐसे पृथकतावादियों को मौका दे दिया जिसका आगे चलकर परिणाम ये हुआ कि भारत से अलग एक राष्ट्र का निर्माण पाकिस्तान के रूप में हुआ।